रणहुंकार दे केन्द्र गृहमंत्री सोनपुर निर्वाचन सभार राज्य सरकार को उपरे बरसिले अमित शाह कले राज्य सरकार विफलता जो पछुआ होशा कंग्रेस को कले टार्गेट भुवनेश्वर रुद्रतर बैठक में शाह दे मंत्रणा काली देश में द्वितीय पर्याय भोट केरल समस्त 20 आसन समेत 88 लोकसभा आसन में पड़ भोट राहुल गांधी हेमा मालिनी अरुण गोवली भाग्य परीक्षा मैदान 1206 प्रार्थी कोरापुट रायगड़े कार्तिक पांड्यान को निर्वाचन प्रचार ना नई केन्द्रमंत्री को कले टार्गेट विजु स्वास्थ्य कल्याण योजनार बाट उगाड़ा अभियोग कले मुख्यमंत्री रूपातरण कार्य देखि हजि जा विरोधी नेत आहुरी बढ़ ताति पारद छुईपे 46 डिग्री आसंता दुई दिन भीषण ग्रीष्म लहरी नहीं चेतावनी रेड आलर्ट जारी कर सतर्क कला आंचलिक पापाग केन्द्र 4 दिन पर्यंत ताति कर कलबल राज्य में प्रथम पर्याय भोट पर सर नेतांकर नामांकन शेष दिन में प्रार्थीपत्र दाखल कले प्रदीप बलभद्र और गौतम एपटे जमुची प्रचार भोटर को निज आड़ आने प्रार्थी जोरदार उद्यम कटकिया किए बाहरिया किए उसुम होउछि कटक बारवाटी राजनीति कटाक्ष कले विधायक मोहम्मद मुकिम कहले बाहर नेता आमदानी करी प्रार्थी करी बीजेडी जवाब दे सांसद देवाशीष सामंतराय जंगल निया रोकवाई बड़ योजना सिमिलपाले जगी एआई क्यमेरा धूआं बाहर कराई सतर्क परीक्षण सफल हेले सबु जंगल एआई क्यमेरा व्यवस्था भुवनेश्वर केन्द्र गृह राष्ट्रमंत्री अमित शाह सोनपुर समावेश जोगदे भुवनेश्वर आसी पुरी बाइपास एक घर मंडप कार्यकर्त बैठक में सामिल होती आगामी निर्वाचन लगे बीजेपी कर्मकर्ता विजय मंत्र अमित शाह बैठक में निर्वाचन प्रभारी विजय पाल सिंह तोमार क्षेत्रीय प्रभारी सुनील बंसल एवं अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे तेरे अमित शाह आज भुवनेश्वर केन्द्र गृहमंत्री राष्ट्रमंत्री अमित शाह सोनपुर समावेश करवर्त समय भुवनेश्वर आसी एवं मंत्रणा दे राज्य नेतृवृंद को आप देखिपुर कनक न्यूज रे दृश्य किभली भाव में केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह भुवनेश्वर पहुंची बैठक कर घर मंडप कार्यकर्ता सहित बैठक में सामिल होती आगामी निर्वाचन लगे बीजेपी कर्मकर्ता विजय मंत्र अमित शाह अधिक आलोचना करिबा आप प्रतिनिधि देवाशीष सासवाल आम सहित जोड़ी होती देवाशीष भुवनेश्वर अमित शाह आज के भाव में सीधा सड़क राज्य सरकार को टार्गेट कर जनसभा को संबोधित कर भुवनेश्वर एक बैठक करोटी रोडमैप प्रस्तुत कर ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करमी निर्वाचन बैतरणी पार कर कौन रही बीजेपी फॉर्मूला निश्चित रूपे सौम्या आप देखुं जो भाव में जो बैठक रही 7:30 एवं 9 पर्यंत प्राय 1.5 घंटा धरी राज्य कार्यकर्ता बैठक नहीं गृहमंत्री अमित शाह आप जानते जो भाव में निर्वाचन आसूरी जहाँ सुदलीय सूत्र सूचना रही गुरुत्वपूर्ण प्रसंग नहीं आलोचना करा सांगठनिक स्थिति राज्य में किभली भाव बीजेपी सांगठनिक स्थिति को सुदृढ़ कर नहीं आलोचना करा एवं आगामी निर्वाचन में किभली भाव विजयी हे एवं सरकार करा जो भाव आप देखुए जे सोनपुर सभारे जो भाव राज्य सरकार को टार्गेट करने राज्य डबल इंजिन सरकार करने को आह्वान दे तार सीधा सड़क एटी कि भाव में ब्लूप्रिंट प्रस्तुत कर राज्य राजनीति में जो राज्य राज्य कार्यकर्ता अच्छा से गुरुमंत्र शाह तेणु आप सीधा सड़क चित्र देखुए जे वर्तमान बैठक शेष हो कार्यकर्ता मैंने बाहर को आसुंच जहाँ आम पाखे सूचना रही सांगठनिक स्थिति नहीं मंत्र शाह जो भाव में निर्वाचन आसूरी प्रथम पर्याय निर्वाचन प्रथम प्रचार निर्वाचन प्रचार कर आज सोनपुर शाह तेरे तार परवर्ती समय राज्य कार्यकर्ता वर्तमान गुरुमंत्र तेणु निश्चित रूप से आगामी निर्वाचन में किभली भाव विजयी हेबीजेपी अधिक रु अधिक सीट आण सबुठ बड़ प्रसंग
ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ସୋନପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସେ ସିଧାସଳ କହିଛନ୍ତି 20ଟି ସିଟ୍ ଏମପି ସିଟ୍ ହାତେଇବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାର କରାଯିବ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିଧାୟକ ସିଟ୍ ଅଣାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। तेज निश्चित रूप से आउ किसी समय अपेक्षा आप देखुं जे अमित शाह वर्तमान बाहर एवं एठारु सीधा सड़क एयरपोर्ट जबार कार्यक्रम रही जहाँ आम पाखे सूचना रही भुवनेश्वर सीधा सड़क भोपाल जबार कार्यक्रम रही जहाँकि पूर्वर निर्धारित कार्यक्रम रही जे से मे फेयर होटेल रात्रि जापन करे आसंता का सुधा ओडिशा छाड़े कि बर्तमान जहाँ सूचना रही से भुवनेश्वर छाड़ आउ किसी समय मध्य जोबले कार्केट बाहर सीधा सड़क एयरपोर्ट जब एयरपोर्ट भोपाल कार्यक्रम सोम्या सोम्या सूचना रखुले रोडमैप प्रस्तुत कर चाणक्य अमित शाह जिते गति राज्य बीजेपी नेतृवृंद खुब उत्साहित अच्छा आज सोनपुर के राज्य सरकार को टार्गेट कर आलोचना प्रतिनिधि देवाशिष सासमल ओडिशा गस्तरे अमित शाहंकर आभिमुख्य कौन रहिबो रही समस्त नजर आउ सोनपुर सभारु राज्य सरकार को जोरदार गर्जन कर चलित निर्वाचन में बीजेपी आभिमुख्य स्पष्ट कर केंद्र गृहमंत्री चलित निर्वाचन ओडिशा रे अमित शाहंकर प्रथम निर्वाचन रैली दलर प्रचार तालिकार शीर्ष नेता राज्य में खनिज संपद रही विकास हो पार नहीं बीजेपी क्षमता को आसिले विकास होगा दंभोक्ति प्रकाश करपरिया भाषा संस्कृति कथा उठाई कटाक्ष सोनपुर शाहकार राज्य सरकार को जोरदार टार्गेट जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ नारा दे गृहमंत्री अमित शाह ओडिशा रो सोनपुर प्रचार आरंभ करने रणहुंकार उभय ओडिशा और केन्द्र में बीजेपी सरकार पर पद्मचिह भोट देवाक राज्यवासी को अपील कर 2019 पर प्रथम थर राज्य सरकार और बीजेडी को सीधासल टार्गेट कर राज्य सरकार विफलता जो ओडिशा पछुआ राज्य होता अभोग कर सेपरी ओडिया भाषा और संस्कृति कथा उठाई कटाक्ष ओडिशा रे सरकार गढ़ा को 5 वर्ष देवा निवेदन कर अमित शाह इतनी बड़ी संख्या में अपने प्रदेश की भाषा अपने प्रदेश का साहित्य और अपने प्रदेश की संस्कृति का गौरव नहीं कर सकता वो प्रदेश को आगे नहीं बढ़ा सकता। पर जो सरकार चली है उसने न केवल ओडिशा को विकास से महरूम रखा है विकास से दूर रखा है सबसे ज्यादा खनिज संपदा कोई एक प्रदेश में है तो ओडिशा में सबसे ज्यादा पानी का वैभव अगर कोई एक प्रदेश में है तो मेरे ओडिशा में है मगर फिर भी ओडिशा के अंदर समृद्धि नहीं आई। नवीन बाबू की सरकार को उखाड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है मैं विश्वास दिलाता हूं ओडिशा से किसी को पलायन नहीं करना पड़ेगा यहां से बाहर काम करने नहीं जाना पड़ेगा। मैं जहां जहां गया कांग्रेस को मध्य कड़ा भाषा समालोचना कर उपा सरकार अमल में ओडिशा को केमिति अणदेखा कर तार हिसाब रखिंट मोदी सरकार ओडिशा को 10 वर्ष भितर केमिति अधिक अनुदान माहौल मोदी पर है देशर आतंकी को निपात करने भारतीय सेना कि पाकिस्तान में पशि आतंकवादी अड्डा को ध्वंस कर यूपीए सरकार चली ओडिशा को 10 साल में 1,45,000 करोड़ रुपया दिया और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में
1,45,000 करोड़ के सामने 4,81,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। एक कांग्रेस पार्टी और उनके चट्टे पट्टे राम जन्मभूमि के मुद्दे को अटकाते रहे, लटकाते रहे, भटकाते रहे। यहां की सरकार सत्ताधारी पार्टी ने राम मंदिर को इसके उत्सव को डाइवर्ट करने का प्रयास किया, उरी और पुलवामा में हमला किया। 10 ही दिन में नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया। ओडिशा वासी अमित शाह रणहंकार ओडिशा बीजेपी नेता और कर्मी को भीतर जोश भरी देछि। अन्यपटे शाह टारगेट पर पलटा जवाब मांगिछन्ति विरोधी। पंजाब तक जा रहे स्वाभिमान कथा कहले, ओडिया अस्मिता कथा कहले, जो गुड़ा जो ओडिया लोक मन भितर चलुच्छे से कथा गुड़ आज गृहमंत्री उठेले, मोदी जी को तृतीय थर प्रधानमंत्री करने निवेदन करले। ओडिशा रे 5 वर्ष पई भारतीय जनता पार्टी प्रथम सरकार बनेमा पई निवेदन कले। राजनीतिक कथा से कहे कहीं निर्वाचन अच्छी बोधे आज आसते कही निश्चित भाव में यहाँ पॉलिटिकल कथा से न कहीकर कौन डेवलपमेंट करेंगे आगामी दिन में से कथा से कहवा कथा से सब न कहकर यहाँ लागू है ना से लागू है ना एमती किसी नहीं। नौकरी नहीं है, महंगाई ऐसी है कि जो कमर तोड़ महंगाई, तो एक तो नौकरी नहीं है बच्चे का, महंगाई है। अब अमित शाह जी बोलेगा क्या 10 साल में किया क्या, पहले उसका तो हिसाब दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। निर्वाचन सभारु शाहक आभिमुख्य राज्य में चर्चार विषय होगी। आगकू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आसवार कार्यक्रम रही, तेणु आगामी दिन में लड़े जोरदार हो। कैमेरामैन सुब्रत शंकर और सुरेश भुवनेश्वर नवकिशोर सबजित सोनपुर नरोत्तम मल्लिक और ज्योत्नारायणी दास रिपोर्ट कनक न्यूज। अमित शाह गोटे पटे ओडिशा गस्त रही ए गस्त को नहीं कटाक्ष करुछि बीजेडी। सोनपुर सभा रे बीजेडी सरकार को अमित शाह कर टार्गेट प्रसंग एथिरे शाहंकर आक्षेप जवाब रखुछि बीजेडी एवं बीजेडी सीधासलख कहिछि कि हताश ओडिशा बीजेपी नेता एवं कर्मी को उत्साहित करबा पई अमित शाह आसिछन्ति। बीएसकेवाई बंद करबा पई बीजेपी नेता षडयंत्र करुछन्ति एवं ता सहित राज्य बीजेपी नेता मानंकर अपारगता और लोकंक विश्वास अभाव जो राज्य रे विफलता देखा मिली एक राज्य बीजेपी नेता और शाह जानी ता सहित एही निर्वाचन रे पराजय प्राय निश्चित थिबा जानी उत्साहित करने आसी अमित शाह। 24 वर्ष रे ओडिशा पलटिछि विकास रोल मॉडल। नवीन पटनायक पुणि थे मुख्यमंत्री आसन में बसेबा ओडिशावासी संकल्पबद्ध एक बीजेडी कही नवीन पटनायक पुणी थे मुख्यमंत्री आसन में बसा सहित मिशन शक्ति मां विदेश यात्रा को अटकई बीजेपी नेता। बीएसकेवाई बंद पर बीजेपी नेता षडयंत्र कर आक्षेपर जवाब रखुची बीजेडी। ओडिशा हताश बीजेपी नेता एवं कर्मी को उत्साहित करने अमित शाह आसी बीएसकेवाई बंद पर बीजेपी नेता षडयंत्र कर ता सहित तो कहु कि राज्य बीजेपी नेता मान अपारगता और लोकों विश्वास अभाव जो राज्य में विफल बीजेपी एक राज्य बीजेपी नेता और शाह जानी ता सहित तो यह निर्वाचन में पराजय प्राय निश्चित थी जाणी उत्साहित तो करने आसी शाह। 24 वर्ष ओडिशा पलटि विकास रोल मॉडल एवं ता सहित तो नवीन पटनायक पुणि थे मुख्यमंत्री आसन में बसेवासी संकल्पबद्ध। गोटे पटे आज अमित शाह ओडिशा गस्तरे आसीथिले एवं केमोली भाबरे राज्य सरकार को टारगेट करिछंती ता सहित तो वर्तमान समय बड़ सूचना जहाँ सामना को आसुछि एहार भितरे बीजेडी मध्य एहार प्रति उत्तर रखिछि एवं बीजेडी पक्षरु कहा जायछि कि हताश ओडिशा बीजेपी नेता एवं कर्मी को उत्साहित करबा पई शाह आसिछंती। 24 वर्ष ओडिशा पलटिछि विकास रोल मॉडल, अनेक योजनार सफलता पई केन्द्र पुरस्कृत करिछि। बीएसकेवाई बंद पर बीजेपी नेता षडयंत्र करुछंती, मिशन शक्ति मां विदेश यात्रा को अटकाई बीजेपी नेता।
नवीन पटनायक को पुणि थरे मुख्यमंत्री आसन में बसेबापाई ओडिशावासी संकल्पबद्ध एक बीजेडी कहता बेले गोटे कथा कहु जो केन्द्र गृहमंत्री आसी रणहुंकार सोनपुर निर्वाचन सभा में राज्य सरकार को उपरे बरसी अमित शाह कही कि राज्य सरकार विफलता जो पछुआ होड़शा किंतु यार उत्तर रखुच बीजेडी और बीजेडी कि 24 वर्ष से ओडिशा पलटि विकास रोल मॉडल ज्योतिप्रकाश दास हम प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी होती ज्योति साहा आक्षेपर बीजेडी जवाब रखी और बीजेडी पक्षर कह 24 वर्ष से ओडिशा विकास रोल मॉडल पलटि ज्योतिप्रकाश देखो साहा जो राज्य सरकार को निशाना कले एवं अनेक प्रसंग उठाइले तार जवाब विजु जनता दल पक्ष रखा जाए विजु जनता दल जी अच्छा ब्रह्मपुर सांसद प्रार्थी भृगु शक्ति पात्र जे बीजेपी छाड़ी आसते सी काउंटर करउंटर करे हताश ओडिशा बीजेपी नेता कर्मी को उत्साहित करने आसी अमित शाह ये हूँ ओडिशा गस्त जो भारतीय जनता पार्टी कर्मी सबुले विफल होती आताश हो जा निराश भितर अच्छा से अमित शाह जोश भर जो कर्मी मानक उत्साहित कर 24 वर्ष भितर ओडिशा पलटि देशर रोल मॉडल एवं अनेक योजनार सफलता केन्द्र पुरस्कृत करी बीएसक्वाई बंद बीजेपी नेता षड्यंत्र करुछंती पात्र कहते मिशन शक्ति माँ मानक विदेश यात्रा को अटकई बीजेपी नेता एवं आपण जानते जो अमित शाह कहले जे ओडिशा बहुत पछरे रही जाइछि एवं ओडिशा रे सत्ता को भारतीय जनता पार्टी आसिले 5 वर्ष भितर विकास आगक जीवा बोली कहले आ तार हिसाब किताब रखी बीजेडी कहिछि 24 वर्ष रे ओडिशा देशर गोटे रोल मॉडल साजिछि आ द्वितीय पॉइंट आपण आसंतु जे केन्द्र योजना को जो कहले अमित शाह जे हाइजा करछन्ति राज्य सरकार निज फटो लगे बाहबा नवापाई चाहती पक्का घर कथा कह अन्यान्य स्कीम कथा कह पॉइंट रे बीजेडी जवाब है जे अनेक योजनार सफलता पाई केंद्र राज्य को मध्य पुरस्कृत करी एवं परवर्ती पॉइंट देखु जो बीएसक्वाई वर्तमान राजनीतिर सेंटर स्टेज को आसी 24 निर्वाचन बीएसक्वाई एवं बीएसक्वाई की राज्य सरकार लागू करी नथिले एवं क्षमा करिवे आयुष्मान को लागू करी नथिले राज्य सरकार एवं बीएसक्वाई मध्य राज्य सरकार प्रणयन कले आज मध्य अमित शाह आसी बीएसक्वाई को जाणीशु राज्य सरकार ओडिशा रे लागू करूना आयुष्मान योजना को जे एटी जे मोदी ओडिशा रे लोकप्रियता बढ़िबो आयुष्मान योजना पाई एवं सेई पॉइंट रे विजु जनता दल पक्षर काउंटर करागला जे बीएसक्वाई बंद करने भारतीय जनता पार्टी नेता माने एटी षड्यंत्र करुछंती मिशन शक्ति कथा कह जाऊ अन्यान्य कथा कह जाऊ एभरी एक जवाब विजु जनता दल रखी नेता भृगु बक्सी पात्र प्रत्येक पॉइंट को मध्य काउंटर करा जाइछि ता सहित भृगु बक्सी पात्र आउ गोटे जो बड़ पॉइंट रे जे नवीन पटनायक सरकार रे सशक्तिकरण एक अंश भाव में मिशन शक्ति महिला को विदेश पठाइवा पदक्षेप नहीं जहां षड्यंत्र करसीआई पाखे अभियोग कर भारतीय जनता पार्टी नेता बंद आयुष्मान कथा विशेष भाव जो अमित शाह आसी सोनपुर निर्वाचन सभा में राज्य सरकार को बरसी यार उत्तर मत रखा बीजेडी पक्षर 24 वर्ष से ओडिशा विकास रोल मॉडल पलटि किसी प्रतिक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद ज्योतिप्रकाश आपण आलोचना सहित वर्तमान समय अखे साहू वरिष्ठ सांबादिक जोड़ी होती श्रीयुक्त साहू आपको स्वागत करुच्छे कनक न्यूज को आपण देखिथे आज जो अमित शाह आसी कि भाव में आक्रमणात्मक ढंग से राज्य सरकार को उपरे खूब बरसी जोबले निर्वाचन पकई आसी आक्षेप प्रत्याक्षेप तो बढ़िया लगी अमित शाह आभिमुख्य कौन रोचर नजर थी बेले अनेपटे बीजेडी एक विज्ञप्ति प्रकाश कर 24 वर्ष से ओडिशा केमी विकास रोल मॉडल पलटि अनेक योजन सफलता केंद्र पुरस्कृत करछि एभले किछि प्रतिक्रिया मध्ये सामना को आसुछि शुक्त साहू बिल्कुल बहुत दिन रो अपेक्षा रहितला जे अमित शाह ओडिशा आसिबे से कोन कहिबे तो आज अमित शाह ओडिशा आसिछंती एवं जितबेले ओडिशा आसिछंती आमे देखिले जे ए जो 5 वर्ष धरिकरी बीजेडी बीजेपी भितरे जो गोटे आमे कहि परबा गोटे लोक जहां गोटे विश्वास करथिले अलिखित बुझामणा रहिछि त
ସେ ତାର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜେପିର ଜଣେ କେହି ନେତା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କଲେ। ତ ଏଠି ଏଇ କଥାଟା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ, କାରଣ ସବୁ ତଳସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ ରହିଥିଲା ଯେ ଉପର ସ୍ତରରେ ନେତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ତ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ନେଇକିରି ବିଜେପିର ନେତା କର୍ମୀ ଗୋଟେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା, ସେ ବାର୍ତ୍ତାଟି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ କଥାଟା ହଉଛି ଯେ ଏଇଟା ଟୁ ହାର୍ଟ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଇଟ୍ ଟୁ କଟ୍ ଆଇସ୍ ୱିଥ୍ ଦି ଭୋଟର୍ସ। ଭୋଟର୍ସ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ସେଟା ସମୟ କହିବ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ଯୋଉ ଜୋସ୍ଟା, ସେ ଜୋସ୍ଟା ସେ ଧରିବାକୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଏହାର ଭିତରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ଅନେକ ଆସନ, କାରଣ ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଇଭିଏମ୍ରେ ସିଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୋଟ ଆସନ ହେଉଛି 88 ଏବଂ 12 ରାଜ୍ୟ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୋଟ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି କହିପାରିବା କି ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି କି ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁକିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହୁଛି। କାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ମୋଟ ଆସନ ହେଉଛି 88 ଏବଂ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଆସନରେ ମତଦାନ ହେବ ଯଦି ନଜର ପକାଇବା, କେରଳରେ 20, ତା ସହିତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 8 ଆସନରେ ଭୋଟ ପଡ଼ିବ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 14, ରାଜସ୍ଥାନରେ 13, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 8, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 8, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ 6 ଆସନରେ ଭୋଟ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆସାମରେ 5 ଆସନରେ ଭୋଟ ପଡ଼ିବ, ଛତିଶଗଡ଼ରେ 3, ମଣିପୁରରେ 1, ତା ସହିତ ବିହାରରେ 5 ଆସନରେ ଭୋଟ ପଡ଼ିବ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 3, ତ୍ରିପୁରାରେ 1 ଆସନରେ ଭୋଟ ପଡ଼ିବ। ୟାର ଭିତରେ ହେଭି ୱେଟଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ହେଉଛି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଇଭିଏମ୍ରେ ସିଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ୱାୟାନାଡ଼ରୁ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ, ତାହା ଇଭିଏମ୍ରେ ସିଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଓମ୍ ବିର୍ଲା କୋଟାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, 2019 ସେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି, ରାଜସ୍ଥାନ କୋଟାରେ ଲଢୁଛନ୍ତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା। ଭୂପେଶ ବାଘେଲ ରାଜନନ୍ଦଗାଓଁରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଉଛି, ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜନନ୍ଦଗାଓଁ ଆସନରୁ ଲଢୁଛନ୍ତି ଭୂପେଶ ବାଘେଲ। ଏବଂ ରାଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମରୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଭିତରେ ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ଖୁବ୍ ରୋଚକ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହାର ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ହେଭିୱେଟଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏସ୍ଡି କୁମାରସ୍ୱାମୀ ଯାହାଙ୍କୁ ମାଣ୍ଡିଆରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ଧରୱାଡ଼ରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାୱତ ଯୋଧପୁରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ହେମା ମାଳିନୀ। ଏବଂ ହେମା ମାଳିନୀଙ୍କ ଉପରେ ଏଥିପାଇଁ ନଜର ରହୁଛି ବଲିଉଡ୍ର ଷ୍ଟାର ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ଆସିଛନ୍ତି ମଥୁରାରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ କାଲି ପରୀକ୍ଷା ହେବ, କାଲି ମଧ୍ୟ ଇଭିଏମ୍ରେ ସିଲ୍ ହେବ, ହେମା ମାଳିନୀ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତାହା ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଅରୁଣ ଗୋଭିଲ ଯିଏକି ମିରଟରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ରାମାୟଣ ଧାରାବାହିକର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ହେଭିୱେଟଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ହେଭିୱେଟମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ କରିସ୍ମା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ। 2019 ଉପରେ ଯଦି ନଜର ପକାଇବା 2019 ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଥିଲା, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କିଏ ବାଜିମାତ କରିଥିଲା, ତାହେଲେ ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବା ଏନ୍ଡିଏ 61 ଆସନ ପାଇଥିଲା, ଏନ୍ଡିଏ 61 ଆସନରେ ଆଗକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ୟୁପିଏ ଖାତାକୁ ଯାଇଥିଲା 24 ଆସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲା 3 ଆସନ। ଏଠି ଲଢ଼େଇ ରୋଚକ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଭିତରେ ମୋଟ ଆସନ ହେଉଛି 88, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ୱାୟାନାଡ଼ ଆସନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହୁଛି, ତିରୁବନନ୍ତପୁରରେ ନଜର ରହୁଛି, ତେବେ ଇଭିଏମ୍ରେ ସିଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏହି ହେଭିୱେଟଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଇଏ ସବୁର ଫଇସଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ।